मोहब्बत के लिए कुछ खास दिन मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। बात मेरे हक में जा रही है मेरे खिलाफ? ये मैं दोनों पासे रखी इसलिए कि ऐसी ज्यादा देर डिजाइनरों में रहते तो आपने नजाकत भी आ जानी थी और नजाकत भी। दुश्मनी वहां होती है जहाँ दिल में नफरतें हों। मैं पैदा ही मोहब्बत के लिए हूँ। किसी भी फनकार को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, खासतौर पर थिएटर के जो फनकार है, तो पहली कॉल मुझे आती है। बाबू बराल साहब फरमाया करते थे कि जो फनकार होता है ना वो अल्लाह तवक्कल होता है। मेरा बैंक, तेरा बैंक, सबका बैंक, हबीब बैंक, मेरा भी तो है। जी फैसलाबादी होने हैं, फैसलाबादी होने हैं। ताड़े ताड़े दोनों का आखिरी फैसला है। आखिरी फैसलाबाद, फैसलाबाद तो भाई फैसलाबाद नाम। मैं खाना खा रहा था। अच्छा जी। दिन अखबार में होता था, मेरे रूम में आए आके तो ओके बका ओए चलो किसी का पता नहीं लगता, जेबा वाले कपड़े पा गए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बबू राणा और आप देख रहे हैं फनी शनी। नाज़रीन, आज हमारे शो में जिन शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे बड़े भाई और हीली टीवी के चेयरमैन और चेयरमैन लेदर टेक्स और पाकिस्तान ओवरसीज डायस्पोरा के ट्रेड यूके एंड यूरोप के सदर जनाब मुजफ्फर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बबू भाई। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं GM हीली टीवी शकील जाहिद साहब, टीवी एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बबू राणा, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आपका फनी शनी मैं देखता हूँ और देख के जो फनी शनी तबीयत हो जाती है, आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोग शो में आए, और मेरी काफ़ी दिनों से ये ख्वाहिश थी कि आप दोनों को शो में बिठाया जाए और आपसे फीडबैक लिया जाए। सबसे पहले मुजफ्फर साहब आप सुनाए, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह बबू भाई। सबसे पहले तो मैं बड़ा खुश हूँ, आज ही आया हूँ लेकिन आपको देख के खुश हो गया हूँ, थकावट ही उतर गई। थैंक यू सो मच। यूके से। हाँ जी। और मेरी ये खुशी वाली सबसे बड़ी बात ये है कि एक मेरे छोटे भाई, हाँ जी, एक मेरे बड़े भाई मेरे साथ और बेशक दो मिनट बड़े तो माशाल्लाह आपका प्रोग्राम फनी शनी नाम से इतना फनी लगता है कि बस देखने जितना कहते नहीं देखते ही हंसा आ जाता है। एक तो शक्ल देखते हंसा आ जाता, दूसरा फनी शनी नाम सुन के हंसा आ जाता है। अच्छा, ये मुझे आप ये बात मेरे हक में जा रही है मेरे खिलाफ? ये मैं दोनों पासे रखी इसलिए कि ऐसी इम्प्रूव भी करिए और एंजॉय भी करिए। जी जी इंशाल्लाह। क्योंकि चेयरमैन साहब किसी का हक नहीं रखते। हां वो मैंने, मुझे पता है, हमेशा ये किसी का हक नहीं रखते। जो 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 हमारी भाभी के हक में थी, आज भी वही है माशाल्लाह। तो मुजफ्फर साहब आप डिजाइनर भी हैं माशाल्लाह। जी जी जी। आपने इसका बकायदा डिप्लोमा किया हुआ है? जी, मैंने लंदन कॉलेज ऑफ फैशन से किया है कोर्स, इसका सर्टिफिकेट किया है। माशाल्लाह। क्रैश कोर्स किया बब्बू भाई। अच्छा, क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स होता है जल्दी जल्दी करके बाहर निकल जाओ। ओहो, ज्यादा तुम डिजाइनर च रहो तो कंफ्यूज हो जाते। नहीं, उनकी बात ये जो है ना कि ज्यादा डिजाइनरों में रहे तो confused.com हो जाता है। I have nothing against designers. Wow. माशाल्लाह बड़े अच्छे designers हैं, उनमें artistic हैं, designer हैं, तो उनमें वो एक चीज आ जाती है नजाकत। तो it's not a bad thing. Yes. तो मैं ज्यादा नजाकत चाहिया नहीं, मैं का थोड़ा सख्ती रहा। आप ज्यादा देर डिजाइनरों में रहते तो आपने नजाकत भी आ जानी थी और नजाकत भी। तो ये जो आपका ब्रांड है लेदर टेक्स, जी जी, ये कैसा चल रहा है ये बताइए। लेदर टेक्स हमारी पेरेंट कंपनी है बब्बू भाई। अच्छा जी। जो यूके में बेस्ड है और यूके एंड यूरोप में हमारा नोन ब्रांड है। अच्छा। हमारा ब्रांड है हीली। हाँ जी, हीली, HEELI। जी जी। जिसका ये हीली टीवी है, हीली ब्रांड है। जी जी। तो ये मेरे बेटे का नाम है बब्बू भाई। माशाल्लाह, ये जो आप देख रहे हैं हीली का लोगो, ये आज ये राज खुला है कि इनके बेटे का नाम है। बेटे का नाम जरा बता दें हमें। मेरे बेटे का नाम है राहील, राहील अहमद, और मैं उसको छोटे होते से निकनेम जो उसका हीली है, माशाल्लाह माशाल्लाह, उसी नेम से हमने फिर शुरू किया है ब्रांड 1993 में। वाह वाह वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह बुलंदियों को छूता छूता अभी तक ऑलमोस्ट नोन है, मोर देन 30 इयर्स, 31-30 इयर्स। बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल किए, उनके बारे में जरा बताएं। वो 1922 में उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया है कि द बेस्ट लाइक डिजाइनर ऑफ द ईयर
2022. So I've got an award from Sanjarani Sahab from the government of Pakistan. MashaAllah. Wow. Shakeel Sahab, आप सुनाएं क्या हाल चाल है? मेरा हाल तो ठीक हो गया आपको देखकर. आप तो जर्नलिस्ट भी हैं, आपसे बात करते हुए जरा एक दफा सोचना पड़ रहा है कि कौन सी बात की जाए. और आप हमारे बड़े भाई भी हैं. 18-20 साल पहले से आपको देख रहा हूँ, जब मेरे उस्ताद बबू बराल साहब अल्लाह उनके जन्नतों में कर दे, मैं उनके साथ होता था तो शकील भाई से अक्सर अलहमरा में इधर उधर मुलाकातें होती थी, बैक स्टेज पर ही आया करते थे. और तमाम आर्टिस्ट जितने भी हमारे लेजेंड्स हुए हैं, अमानुल्लाह साहब, बबू बराल साहब, मस्ताना साहब, और अब जो जिंदा हैं सुहेल अहमद साहब, ये उनके बेली हैं, उनके दोस्त हैं, उन लोगों के साथ भी बहुत काम किया. तो इस वक्त ये GM हैं हमारे हिली टीवी के, माशाल्लाह जितने भी हमारे हिली टीवी के शोज़ इस वक्त चल रहे हैं उन सबको चेक एंड बैलेंस यही देखते हैं, तो मेरे शो को भी यही देखते हैं. तो इसलिए ज़रा इनकी थोड़ी सी मदा सराई ज़रूरी है. लेकिन आई मस्ट से कि आप मेरी लकी कि इतने सीनियर शकील भाई हमारे साथ हैं, बेशक, और पूरी तरह साथ हैं माशाल्लाह हर तरह. ये आपकी मोहब्बत है. और मैं बताता चलूं कि जो मुजफ्फर अहमद जिस शख्सियत का नाम है कि कुदरत ने इनको एक ऐसा टैलेंट दिया है कि कुदरत की तरफ से किसी को, हर किसी को कोई ना कोई ऐसी खूबी ज़रूर कुदरत देती है. कुदरत कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करती, बेशक, कि जो दूसरों में नहीं होती. जो मुजफ्फर साहब में खूबी है कि वो दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लेते हैं. सुभान, इतनी मोहब्बत से मिलते हैं, इतने प्यार से मिलते हैं कि दिल करता है कि अपना दिल इनके सामने खोल कर रख दें. तो आप क्या पहले इनके दुश्मन थे? मैं कभी भी किसी का दुश्मन नहीं रहा, क्योंकि दुश्मनी वहाँ होती है जहाँ दिल में नफरतें हों. मैं पैदा ही मोहब्बत के लिए हूँ. कहते ना कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं. सारे ने दस्या सानू मोहब्बत के लिए अजय थोड़ी देर रह गए. मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं. ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता. सुभान, तुम्हारा तो पैगाम मोहब्बत है. जो असल में जब मैं मुजफ्फर साहब से मिला तो मैंने जब इनसे मुलाकात हुई तो पता लगा कि जो मकसद हमारा है, जो मेरा मकसद था, वही इनका मकसद था. वाँ वाँ वाँ. और जो मोहब्बत का पैगाम मैं लेकर चला था, और मैं कहूँ कि ये अगर उसी मोहब्बत के पैगाम को बांट रहे थे तो मुझे लगा कि मैं अपने आप से मिल रहा हूँ. माशाल्लाह. फिर मैंने इनको ज्वाइन किया और सबसे बड़ी बात जो मुझे इनकी अच्छी लगी कि ये अपनी तमाम आमदनी में से 10% गरीबों के लिए निकालते हैं, उन बच्चों की तालीम के लिए निकालते हैं, माशाल्लाह, और दुनिया और आखरत दोनों को साथ लेकर चलते हैं. बड़ी बात है ये. हमारी तो कोशिश है, हम ये एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहते, और वी डोंट वांट टू बी इन ए सेल्फ एडमिरेशन सोसाइटी. जो हकीकत है वही बयान होनी चाहिए. माशाल्लाह शकील भाई, आप जितनी भी आपकी तारीफ करें, आप उससे कई गुना ज्यादा अच्छे इंसान हैं. ये आपकी मोहब्बत है. और ये सबसे बड़ी बात बबू भाई, आज आपको बताता हूं. जी जी, हमारा कोई किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं. वाह वाह, बड़ी बात है. और ये आए हैं सिर्फ दोस्ती में, प्यार में, और ऐसा माशाल्लाह हमारा चल रहा है. शुक्र है. आपके साथ भी इसी तरह का ही है. पूरा हमारा एक घराना है सारा, ये हिली टीवी फैमिली है. इसे हम हिली फैमिली का नाम देते हैं. जी जी, ऐसा ही है, ये हिली फैमिली है, हिली हुई फैमिली. तो शकील साहब, ये हिली टीवी का एक ऑफिस आप एडिनबरा में भी चला रहे हैं? नहीं जी, ग्लासगो. ग्लासगो स्कॉटलैंड का बड़ा खूबसूरत शहर है. वहाँ हमने बहुत बड़ा स्टूडियो बनाया है, जहाँ पर क्रोमा भी लगा हुआ है और रियल सेट भी मौजूद है, और पूरा प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं कि पूरा एक चैनल है जहाँ से हम जिस वक्त चाहते हैं सैटेलाइट पर भी जा सकते हैं. जी. लेकिन हमारा मकसद जो है वो यही है कि हमने से आफ्टर ऑल जाना सैटेलाइट पर ही है. अभी हम ये रिहर्सल कर रहे हैं. जी जी, अभी हम ये प्रोग्राम जब 2-4-5 हमारे हमें लगेगा कि हम अपने चैनल का पेट भर सकते हैं. जी जी, चैनल हमारा बिल्कुल तैयार है. अगर अभी सिर्फ चेयरमैन साहब ऑर्डर देंगे और वहां से एक क्लिक होगी और हमारा चैनल जो ऑन एयर हो जाएगा पूरी दुनिया में. वाह वाह. लेकिन सिर्फ यही है कि अभी चेयरमैन साहब को भी, क्योंकि टीवी का इतना पता नहीं था, लेकिन अब माशाल्लाह वो सब कुछ समझते हैं. हर चीज़ को इन्होंने लर्न कर लिया है, देख लिया है कि प्रोडक्शन कैसे होती है, लाइटिंग कैसे होती है, और किस तरह से प्रोग्रामिंग होती है. तो ये सारी चीज़ें जब इनको पता लग जाती, मैं यही चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली जो मालकान आए हैं जो हमारे टीवी चैनल के, उनको कुछ भी पता नहीं होता. बेशक. जिसकी वजह से चैनल जो है, चैनल तो ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसा ऐसा मवाद चल जाता है जो नहीं चलना चाहिए. बेशक. लेकिन चेयरमैन साहब की अच्छी एक बात लगी कि इन्होंने
एक तो सियासत इसमें नहीं रखी, बहुत अच्छी बात है, पॉलिटिक्स इसमें बिल्कुल नहीं है जी जी, और दूसरा रिलीजन, हमारा रिलीजियस कोई प्रोग्राम नहीं है, ये दो चीजें हमने दूर रखी। तीसरी चीज रक्स, जिसमें लोग बड़ा इतराज करते हैं, ये तीन चीजें हमने इस चैनल में रखी हैं कि ना तो पॉलिटिक्स है, बहुत अच्छी बात, वल्गैरिटी है जी, ना ही जो आफ्ताब भाई इसको कहते हैं वर्गलैटी आजकल चला हुआ है, तो हमें याद आता है वो तो उन्होंने थिएटर के लोगों से लिया ना, वर्गलैटी, क्योंकि थिएटर के लोग, मैं खुद पता नहीं कितना अरसा इसको वल्गैरिटी कहता रहा हूं। तो आफ्ताब इकबाल साहब ने वर्गलाते रहे जी जी, ऐसा ही वो भी एक वर्गलाना ही आप समझते हैं, वर्गलैटी जी जी। तो शकील साहब आपने एज जर्नलिस्ट कितना, बाबू भाई वर्गलैटी भी वर्गलाना ही है, शकील साहब आपने एज जर्नलिस्ट कितना काम किया और किस किस इदारे के साथ आप मुंसलिक रहे, जरा बताएं जी। बिल्कुल, मैंने तकरीबन 25 से 26 साल मुझे इस दश्त की सयाही में, मैंने पाकिस्तान अखबार या लगातार अखबार से शुरू किया, फिर दिन टीवी में, दिन अखबार में मैं 12 साल रहा माशाल्लाह, फिर 8 साल मैंने यूके का चैनल है डीएम डिजिटल, उसका मॉर्निंग शो मैंने होस्ट किया जी जी, डीएम पर भी मेरा प्रोग्राम जो था शोबिज मसाला के नाम से जी जी चला करता था, और शोबिज मसाला, अच्छा, और वीकेंड ब्रंच के नाम से मेरा 8 साल तक डीएम डिजिटल पर प्रोग्राम चलता रहा, पीटीवी पर भी मैंने शोज किए जी जी। फिर एक पीटीवी के बाद जब कोई चैनल नहीं था तो पहले आया था यूनिप्लस जी जी, यूनिप्लस पर भी मैंने शोज होस्ट किए, फिर उसके बाद एसटीएन जिसे कहते हैं उस पर भी मैंने प्रोग्राम होस्ट किए, मतलब जो मोस्टली चैनल्स हैं या अखबार आते हैं उन सब में किसी ना किसी हवाले से या तो मैं लिखता रहा या फिर होस्टिंग करता रहा, तो ये सिलसिला जो है 26-27 साल से चल रहा है। तो आपकी जो बीट थी वो मेरे ख्याल में शायद शोबिज जी, शोबिज की बीट थी मेरी, शोबिज थी बीट। और इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि मैंने शोबिज की बीट ज्वाइन क्यों की जी। आज मैं सबको बताऊंगा कि शोबिज के साथी की सबसे कम तनख्वाह होती है, लेकिन मैंने उसी को ज्वाइन किया इसलिए कि मैं, मेरे अंदर भी एक आर्टिस्ट था और दूसरा मैं मसाइल देखा करता था आर्टिस्टों के, मैंने बड़े बैक स्टेज पर जैसे आपने बताया मैं जाता था, मैं देखता था बड़े गरीब फनकार होते थे, तो मैंने हमेशा उनकी खिदमत की, वो खबर लगाई जिससे उनको फायदा हो, बल्कि न सिर्फ खबरें लगाई बल्कि मैंने बहुत से लोगों को इमदाद भी लेकर दी माशाल्लाह। और जब आर्टिस्ट फ्रंट पहली मरतबा ख्वाजा परवेज का मैंने शो करवाया था अलहमरा में जी जी, मुझे याद है, तो वहां पर हमजा शहबाज से मैंने अनाउंस करवाया कि महाना जो फंड है वो भी मैंने ही करवाया था हमजा शहबाज से कहकर, लोगों को 25-25 हज़ार जो है वो मिले, फिर जो बिल बतौड़ी कमाली थी जी जी, उनको 10 लाख हमजा शहबाज से दिलवाया, वाह वाह, मतलब अदीब साहब हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट जी जी, उन्होंने स्टेज पर भी काम किया, फिल्म स्टार अदीब जी, फिल्म स्टार अदीब साहब स्टेज पर, आखिर में वो स्टेज पर आ गए थे जी, ऐसा ही। तो वो हॉस्पिटल में जब वो दाखिल थे तो एक दिन उनकी कॉल आई मुझे कि शकील भाई मुझे 17 दिन हो गए हैं हॉस्पिटल में, मेरा फोन भी कोई नहीं उठाता। ओहो, सैयद नूर की फिल्म में काम किया था उस वक्त, मजाजन बड़ी हिट जा रही थी, लेकिन वो कहते जी मैंने शाह जी को भी बड़े फ़ोन किए, सबको मैंने फ़ोन किए लेकिन मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाता, और अब ये हाल है कि मेरे पास अब खाने के भी पैसे नहीं हैं। उस वक्त एक डॉक्टर फरजाना नज़ीर हुआ करती थी, वो पार्लियामानी सेक्रेटरी थी, उनको मैंने बुलवाया, उन्होंने जितने दिन वो जिंदा रहे उनका ना सिर्फ इलाज मुआवजा खर्चा सब हुकूमत से, अल्लाह का शुक्र है, मतलब मैंने इसको किसी मकसद के लिए मैंने ज्वाइन किया था, और मेरा मकसद यही था कि मैं फनकारों की खिदमत करूं माशाल्लाह, और जहाँ कहीं भी फनकारों को जरूरत महसूस हुई, और मैं खैर मैं क्योंकि कहते हैं खुद नुमाई हो जाती है, अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी फनकार को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, खासतौर पर थिएटर के जो फनकार हैं, तो पहली कॉल मुझे आती है माशाल्लाह, बड़ी बात। हमारे साथ जुड़े रहें, हिली टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले एपिसोड में आपसे जरूर मुलाकात होगी।